हाय दोस्तों, हेलो, नमस्कार, आदाब, वेलकम टू माय शो। दोस्तों, आज की जो खबर है वो सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट और बार एसोसिएशन के जो चीफ हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर, नरेंद्र मोदी के ऊपर। भाई साहब, अब आप ही बताइए, आप लोग फैसला कीजिए। 140 करोड़ जनता हमारे देश की ये सोचे और ये बताए कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे अगर एक फैसला सुनाती है सुप्रीम कोर्ट तो मिर्ची लग जाती है बीजेपी को, चंदे को सुदामा का भात बताने की कोशिश किया जाता है, ठीक है। और अब सुप्रीम कोर्ट के जज को 600 वकीलों ने मिल करके, और वो से 600 वकील जो है ना बेसिकली वो प्रो बीजेपी हैं, और उसमें से जो अभी बार काउंसिल के अध्यक्ष हैं, जो मेन सेक्रेटरी हैं, वो इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। तो ये लोग कितने पॉलिटिकल मोटिवेटेड इंसान हैं, और बीजेपी प्रो बीजेपी है, बीजेपी से कितने मिले हुए हैं, और इनके लेटर को पीएम मोदी ट्वीट करते हैं। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जज साहब सावधान हो जाइए। क्यों सावधान हो जाइए, मतलब ये दो तरह की बातें हो सकती है दोस्तों। ये एक तरह से उनको वार्निंग दी जा रही हो, जिस पे मोहर प्राइम मिनिस्टर ने लगाया, उस लेटर को ट्वीट कर दिया, यानी उन्होंने अपनी मोहर लगा दी। मतलब ये कि वो खुद पर्सनली सुप्रीम कोर्ट को ये चेतावनी दे रहे हैं कि अब आगे से कोई ऐसा फैसला बॉन्ड जैसा नहीं दीजिएगा। क्यों नहीं देंगे, वो गुलाम नहीं है मोदी जी आपके, और अब आप प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं, आप एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, और वो बंदा अपनी जॉब पे है, सुप्रीम कोर्ट का जज वो अब भी है, वो जज है, लेकिन आप प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं। और आप ये ऐसे, आप किसी के लेटर, वो 600 वकील जो लिखता है वो किसके बुनियाद पे लिखता है, और हरीश सालवे जी की जो बात होती है उसमें उन्होंने भी सिग्नेचर किया है। तो दोस्तों, एक अजीब सी बात है कि प्रशांत भूषण जी, जिन्होंने, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने ये खुलकर बोला है कि हरीश सालवे जो हैं वो पनामा केस में फंसे हुए हैं, और इसीलिए मोदी के फेवर में ये लड़ते हैं, ये इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रहे हैं, ये किसी के प्रेशर में काम कर रहे हैं। जुडिशरी किसी के बाप का गुलाम नहीं है, किसी के बाप का गुलाम नहीं है। अब मोदी जी, अभी आप प्राइम मिनिस्टर, अब आप खुद को क्यों मान रहे हैं, कैसे मान रहे हैं? आप जस्ट, यू आर जस्ट केयर टेकर, यू आर नॉट ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राइट नाउ, नो नॉट एट ऑल, यू आर नॉट, सिर्फ आप एक केयर टेकर हो। आपकी पोजीशन खत्म हो गई जिस दिन धारा 144 लगा, जिस दिन ये मतलब आचार संहिता लागू हो गई। आप प्रेशराइज क्या दिखाना चाह रहे हैं? आपने चंदा चोरी किया है, ये खुल के आ रही है बात, बीजेपी के रिकॉर्ड में जा रही है, बीजेपी के लिए खरीदे जा रहे हैं। और अभी तो अभी तो एयरटेल का मामला आया है, और अभी कितने गाना बाकी है मोदी जी, कहां तक भागिएगा और कहां तक बचिएगा? खुली हुई बात है। सुप्रीम कोर्ट के बार काउंसिल के 3 बार रहे जज अशोक शर्मा जी का कहना है कि बहुत जबरदस्त प्रेशर है डीवाई चंद्रचूड़ पे, वो मेरा 3 साल जूनियर है, मैंने पढ़ाया है उसको, सुप्रीम कोर्ट के जितने लोग हैं, भाई बहन हैं, सब मेरे जूनियर रह चुके हैं, 48 साल का एक्सपीरियंस है उनका। वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को क्या अथॉरिटी है बताने की ज़रूरत है, सुप्रीम कोर्ट जो चाहे वो कर सकती है इंसाफ के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, वो जिस टाइम जिस वक्त चाहे सो मोटो ले सकती है, किसी को भी ऑर्डर पास कर सकती है, किसी को भी कटघरे में खड़ा कर सकती है, किसी वक्त भी, ही हैज़ नो एनी बाउंड्री, ये बोल रहे हैं।
अशोक अरोरा साहब, मतलब एक फैसला चंद्रचूड़ ने हिंदुस्तान के फेवर में दिया, हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी के फेवर में दिया, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के फेवर में दिया, और मोदी जी को गुस्सा उठ गया। उन्होंने 600 की वकीलों को खड़ा कर दिया, 600 वकील खड़े हो गए फेवर में कि यू नो देश की हसाई हो रही है। देश की हसाई तब नहीं हुई जब बंद लिफाफे में गोगोई को लेटर दिया जाता था, तब नहीं हुई देश की परेशानी। देश की जग हसाई तब नहीं हुई जब बेटी की हथरस में आधी रात को लाश को जला दिया गया, उसके माँ बाप को बुलाया तक नहीं गया, तब जग हसाई नहीं हुई। अभी मणिपुर में आग लगा हुआ है, मणिपुर की बेटियों को रोड पे चलाया गया, तब देश के साख दांव पे नहीं लगी। हिंदुस्तान की चीजों को कोई दुनिया भर में नहीं देख रहा है। आप चले हैं मतलब समझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज को, उनको कोई अकल ही नहीं है, सारी अकल आप ही लोगों के पास है, उनके पास अपना कोई ब्रेन तो है नहीं, सारा ब्रेन आप लोग लिए बैठे नहीं, सारी ब्रेन तो आप ही लोगों के पास है ना, इनके पास तो कोई ब्रेन ही नहीं है भैया। आपने 600 लोगों का लेटर बना करके सुप्रीम कोर्ट के टेबल पर पटक दिया है कि भाई थोड़ा संयम में रहिए, अब ये केजरीवाल वाली जमानत जाने वाली, हो सकता है इसको इफेक्ट करने के लिए ये लेटर लिखा गया हो कि केजरीवाल निकले नहीं, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है, और उस पर मोदी जी अपना स्टैंप लगाते हैं ट्विटर पे। ऐसे नहीं होता है, वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसको बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट की रचना इसलिए की गई है कि वो अपनी निगाह बिछाए रहे कि कहाँ पे डेमोक्रेसी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, कहाँ पे कानून को उल्लंघन किया जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को कहाँ पे ताक पे डाला जा रहा है, वो सारी चीज़ों का कॉन्स्टिट्यूशन का जिम्मेदारी लोग सही तरीके से उठाए हुए हैं कि नहीं, या उसको ढंग से निभाया जा रहा है कि नहीं, ये सब चीज़ों को अपने चुस्त और दुरुस्त तरीके से अपनी जगह पर रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट है। दूध को दूध और पानी को पानी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट है, हक और इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट है, आपके लिए नहीं है, आपके लिए दुम हिलाने वाला नहीं है सुप्रीम कोर्ट, आपने किसी चीज को मोहर लगा दिया तो उस पर चल पड़े आपकी तरफ, इसके लिए नहीं है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की अपनी ये सुप्रीम कोर्ट अपनी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसका अपना एक तरीका है, अपना तरीका है, कारकुन है। आपकी बात पे क्यों चलेंगे, और ये 600 वकील की बात पे क्यों चलेंगे, क्या इतने बड़े बेवकूफ़ हैं क्या चंद्रचूड़, डीवाई चंद्रचूड़ सर, सीजीआई जो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पोस्ट पे बैठे हुए हैं, बेवकूफ़ हैं, आपसे कम अकल रखते हैं। और ये जो अध्यक्ष है अभी बना हुआ बार काउंसिल का, ये तो खुद बिहार से इलेक्शन लड़ चुका है जी, तो ये प्रो पॉलिटिकल आदमी, प्रो बीजेपी का, बीजेपी वाला ये आए हैं समझाने के लिए कि जैसा अब आप ऐसे फैसले ना दें, बिल्कुल देंगे और बार बार देंगे और हमेशा देंगे, क्योंकि उनका काम है हक का साथ देना, इसलिए उनको देना है। और मुझे उम्मीद है कि कोई लेटर, कोई धमकी, कोई डर उनको डरा नहीं पाएगी चंद्रचूड़ सर को। मैं जानता हूं कि वो एक हिम्मत वाले इंसान हैं और वो हक का साथ देंगे। जिंदगी का क्या है, आज भी मरना है, कल भी मरना है, मौत तो एक दिन आनी ही आनी है, लेकिन अपने रब को, अपने भगवान को, अपने लोगों को, वह अपनी आत्मा को नहीं बेच सकते, किसी के डर में नहीं आ सकते। और मुझे पूरा यकीन है कि चंद्रचूड़ सर नहीं आएंगे, किसी के डर में नहीं आएंगे, किसी के धमकी में नहीं आएंगे, किसी लेटर के फोर्स में नहीं आएंगे, वो खुद अपना फैसला लेंगे और हक फैसला लेंगे। दोस्तों देख रहे हैं कैसा हालत कर दिया है हमारे हिंदुस्तान का, डेमोक्रेसी को कैसे तोड़ा ममोरा जा रहा है, कैसे जजों को धमकाने की कोशिश की जा रही है। हमें आपको जागना होगा और हिंदुस्तान को बचाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि इस बार तब्दीली आएगी और जरूर आएगी, मोदी की सरकार जाएगी, बीजेपी सरकार जाएगी और ज़रूर जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो वक्त आ चुका है, वक्त आ चुका है कि मैं आपसे कह दूँ गुड नाइट, एंजॉय योर नाइट, बाय बाय।